नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIIMS MBBS 2019 के बारे में, जिसमें तृतीय राउंड की जो आवंटन सीट का परिणाम है वो जारी हो चुका है, और जिसमें सामान्य वर्ग में अगर आपके 2015 रैंक है तो आपको MBBS मिल जाएगा, यानी कि सामान्य वर्ग में 2015 रैंक वालों को भी MBBS जो है वो मिला है। जानेंगे और भी कैटेगरी वाइज की OBC SC और ST में कितनी ये रैंक रही है जिसपे MBBS स्टूडेंट्स को मिला है। तो तृतीय राउंड के आवंटन सीट के परिणाम का पूरा इसमें एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या रहा परिणाम। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम AIIMS MBBS नीट 2019 या फिर नीट आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पर डालते रहते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो न्यू वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का जो एम है, तृतीय राउंड आवंटन सीट का परिणाम। वो सबसे पहले क्या बोला गया है कि AIIMS MBBS जो काउंसलिंग है उसकी तृतीय राउंड सीट का आवंटन परिणाम जारी हो चुका है। कोटा AIIMS संस्थानों के MBBS सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के तृतीय राउंड के सीट आवंटन का शुक्रवार को परिणाम जारी कर दिया गया, यानी कि आज शनिवार है, कल ये जारी हो गया था। AIIMS MBBS काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जाम्स के हवाले से सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों की 37 पेज की सूची जारी की गई। तो काफ़ी बड़ी सूची है जो जारी की गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं देव शर्मा, उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग की रैंक रही है 2015। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, सामान्य वर्ग की रैंक रही है 2015। ये देखिए, OBC श्रेणी में 2935 और SC ST में क्रमशः SC की रही है 19783 और ST की 27429 रैंक। दिव्यांग श्रेणी में 24417 रैंक तक MBBS सीट आवंटित की गई। सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों को 14 अगस्त शाम 5 बजे तक सीट एक्सेप्टेंस अथवा रिफ्यूज़ल की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो इनमें जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, MBBS सीट मिली है, उनको 14 अगस्त शाम को 5 बजे तक जो सीट एक्सेप्टेंस है या रिफ्यूज़ल है उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करनी होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सामान्य वर्ग की जो रही है वो है 2015, OBC की 2935, SC की 19783 और ST की 27429 ये आपकी सीट रही है। ठीक है फ्रेंड, आगे है कि यदि विद्यार्थी तय सीमा में सीट की रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग नहीं करता है तो सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ये आप सभी को पता है कि अगर आप दिए गए समय, यानी कि समय क्या है, 14 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अगर आपकी सीट एक्सेप्शन और रिफ्यूज़ल का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं करते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी कि OBC ST SC और जनरल की जो रैंक रही है वो कितने तक रही है और पूरी प्रक्रिया। 14 अगस्त आपकी लास्ट डेट है इसका रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस करने के लिए सीट्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी प्रॉफिटेबल होगी और आपको सारी जानकारी समझ भी आ गई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।